आगरा शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव ने सभी को चौंका दिया। 12 जिलों के इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने भाजपा के चक्रू से शिक्षक एमएलसी की सीट जीतकर विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों का मान बढ़ाया। वहीं स्नातक सीट से भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह ने सपा प्रत्याशी असीम यादव को हराकर भाजपा की इज्जत बचाई। वहीं स्नातक एमएलसी सीट को आकाश अग्रवाल द्वारा जीतने पर समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। मैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल हूं। देखिए, इसके लिए मेरे पूरे 12 जिलों के जो विभिन्न शिक्षक हैं उन्होंने पूरा एकजुट होकर मुझे मतदान किया, उसी के वजह से हम इतनी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सके हैं। कितने मतों से जीते हैं? लगभग हम जो 2200 मतों से जीते हैं हम आपका, मुझे 6690 मत मिले हैं आपका। कि हमने अपना जो कार्य है विश्वविद्यालय के शिक्षकों को मानदेय मिले, शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा मिले, जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिलती हैं वही उन्हें सुविधाएं विभिन्न स्कूलों में मिले, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं आपका। देखिए, हमारे जो तीन चीजें जो मैंने आपको अभी बताई उसको हम चालू कराना चाह रहे हैं, जिससे उन शिक्षकों को लाभ पहुंचे जिसके यहाँ आर्थिक रूप से समस्याएं आती हैं। देखिए, ऐसा है, बीजेपी ने दबाव की राजनीति करी, वह प्रबंधकों को दबा रही थी, धमका रही थी कि मतदान आपको जो है बीजेपी के पक्ष में करना है। जिन प्रबंधकों ने कुछ फोटो किसी और प्रत्याशी के समर्थन में लगा दिए थे उनके पास रात में बीजेपी के कार्यकर्ता आके उन्हें उठा ले जाते थे और फिर मंत्री विधायकों के आगे बैठा दिया जाता था। उनके दबाव में वो फेसबुक पे चिट्ठी लिखते थे कि वह बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। तो जो हमारे शिक्षक समाज के सब जो शिक्षक हैं उन्होंने इस दबाव को नकार दिया, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम किसी के दबाव के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। हम राष्ट्र को दिशा दिखाते हैं, हम अपने छात्रों का भविष्य बनाते हैं, तो हम किसी के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यह शिक्षकों ने साबित किया।